सोच विचार मीडिया, सोच आपकी नजरें हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में, मैं ममता सोनी। छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर में आज सर्वहारा त्रैमासिक साहित्य पत्रिका का विमोचन किया गया। राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजश्री महंत राम सुंदर दास जी के कर कमलों द्वारा विमोचन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपको बता दें कि दशहरा का पावन पर्व कुछ लोगों ने कल मनाया और कुछ लोग आज मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पर समाज के लिए संघर्ष करने वाले सर्वहारा पत्रिका के विमोचन का अवसर इन्हें प्रदान किया। इसके लिए श्री दुधाधारी मठ पीठाधीश्वर राजश्री डॉक्टर महंत राम सुंदर दास जी महाराज अध्यक्ष, राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सर्वहारा त्रैमासिक साहित्य पत्रिका के विमोचन के अवसर पर उद्गृत किया गया। विदित है कि सर्वहारा पत्रिका का विमोचन श्री दुधाधारी मठ मंदिर परिसर में साहित्यकारों की उपस्थिति में की गयी। इस अवसर पर अपना आशीर्वचन प्रदान करते हुए राजश्री महंत राम सुंदर दास जी महाराज ने कहा कि सर्वहारा पत्रिका के संपादक डॉक्टर पंचराम सोनी जी छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के पूर्व से ही समाज को सही दिशा प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। विषम परिस्थितियों में भी उन्हें काफी साहस के साथ समाज के हित कार्यों में किया है। कवि तथा लेखक समाज को नई दिशा देने का कार्य करते हैं। आपकी लेखनी से समाज बहुत कुछ सीखता है और उसका अनुकरण करके आगे बढ़ता है। सर्वहारा पत्रिका ने छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं साहित्य तथा छत्तीसगढ़ी चिन्हारी को संरक्षित और संवर्धित करने का कार्य किया है। इसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ। लोगों को सुप्रसिद्ध साहित्य रामेश्वर वैष्णव सहित अनेक साहित्यकारों ने भी संबोधित किया। इस विशेष अवसर पर विशेष रूप से साहित्य जगत के साहित्यकार समाज सेवी जागेश्वर प्रसाद, साहित्यकार डॉक्टर उदय भान सिंह चौहान, साहित्यकार रामेश्वर शर्मा, समाज सेवी एवं अभिनेता चंद्रशेखर चकोर, गोविंद राम धनगर, लोक कलाकार एवं साहित्यकार जयंत साहू, श्री दुधाधारी मठ के मुख्तियार राम छवि दास जी, मीडिया प्रभारी निर्मल दास वैष्णव सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित थे। सर्वहारा त्रैमासिक पत्रिका का अंकन पुस्तक समीक्षा विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुई है। नवरात्र के आज 10वीं तिथि है और पंचांग के अनुसार दो तिथि को एक नाम से पहुंचन। कल विजयादशमी मनाए, पहुंचन आज भी विजयादशमी मनावा। अभी पावन अवसर में सर्वहारा पत्रिका के जो समीक्षात्मक पत्रिका है होकर विमोचन के कार्यक्रम अभी संपन्न हुई से सब मिलकर के ऊपर विमोचन करे हैं। अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवत देना चाहूँ आदरणीय डॉक्टर पंचराम सोनी जी का। यह बहुत ही विषम परिस्थिति में अब बहुत संघर्ष करके जब हमें छत्तीसगढ़ नहीं बने रही थे तब से होकर एक साल पहले से आज पूरे 20-21 साल हो गए ये पत्रिका ला वह निकाला थे और सारे परिस्थिति का सामना करने के बाद भी कभी भी यह रुके नहीं है। अब बिना रुके अपन पथ पे ये चलत है। आज हम लोग पत्रिका के विमोचन करे हैं जो 20-21 साल हो गए निकलत हुए और समाज के हर वर्ग ला और छत्तीसगढ़ी जो लोक कला है, लोक संस्कृति है और छत्तीसगढ़ी जो चिन्हारी वो सब ला समय के साथ साथ एवं समाहित करे के कोशिश आदरणीय सोनी जी करते हैं। चाहे वो छत्तीसगढ़ के गोरना संस्कृति हो, चाहे छत्तीसगढ़ के रामनामी संस्कृति हो, चाहे छत्तीसगढ़ी सुवा नाच के संस्कृति हो, गीत के ददरिया के बात हुआ है, ये सब ला ये पत्रिका में समाहित करके भी निशान के रूप में निकाले के प्रयत्न करते हैं और आज उसका विमोचन हुआ। इसमें उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद सात्वर देना चाहता हूँ। अवे अवसर में हमारे सभी साहित्यकार मन लगू मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहते मन ने आज एक साहित्यकार एक लेखक आज कहे भी गए कि जहाँ न पहुँचे रवि और वहाँ पहुँचे कवि। रवि से साथ तात्पर्य सूर्य के प्रकाश से है कि जहाँ सूर्य के प्रकाश भी नहीं पहुँच पावे
वहाँ कवि के लेखनी कवि के कलम पहुँच जाते हैं, ऐसे कहे गए हैं। तो जो साहित्यकार होते हैं, कवि होते हैं, लेखक होते हैं, हेमन समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं। और साहित्यकार कवि मल्ल समाज के दर्पण भी कहे गए, कहते जे आपन लिखता वही के समाज पढ़ते होते अनुसार वह चलते, और ऐसे पथ प्रदर्शक आप मन सबके सवाल। अब एक साहित्यकार के, एक लेखक के पत्रिका विमोचन के अवसर में आप मन सबके सब उनकर उत्साह बढ़ाए के लिए और अच्छा आगे लिख सके, अगर लेखनी हर समय चलते रहे, लेखनी धार रहे, ये कह के आप मन सबसे ऊपर छूटे कर लेने आप सब लग बहुत बहुत धन्यवाद सांत्वना देना चाहता हूँ। और व्यक्तिगत रूप से मैं सांत्वना देना चाहता हूँ आदरणीय डॉक्टर पंचराम सोनी जी ला, ये इतना अच्छा पत्रिका का विमोचन मोर द्वारा वह करें और वह भी दुआ हेलमेट पर करें, ये अवसर में बहुत बहुत बधाई। ऐसी खबरों के लिए बनी रही हमारे साथ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।